आदेशों के बाद फरीदाबाद में लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करने का काम जोरों पर है। आज साइबर थाना की टीम ने स्कूली बच्चों को साइबर अपराध से बचने के तरीके बताए। दिखाई दे रहा ये नजारा ओल्ड फरीदाबाद गर्ल्स स्कूल का है, जहां आज साइबर थाना की टीम पहुंची और छात्राओं को साइबर अपराध के बारे में और उससे बचने के तरीके बताए। साइबर थाना प्रभारी बसंत कुमार के मुताबिक गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत फरीदाबाद में लोगों को जागरूक करने का काम काफी तीव्र गति से चल रहा है। इसके तहत वह न केवल स्कूलों बल्कि RWA पंचायतों और लोगों के बीच में जाकर उन्हें साइबर अपराध कैसे होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। बसंत कुमार ने बताया कि साइबर अपराध से बचने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि किसी भी अननोन लिंक को क्लिक न करें। उन्होंने कहा कि आमतौर पर लोगों को फंसाने के लिए लॉटरी लगने, KYC कराने या अन्य किसी तरह के झांसे दिए जाते हैं, जिसमें फंसकर लोग अपना धन गवा बैठते हैं। इसी को लेकर उन्होंने यह मुहिम चला रखी। बसंत कुमार ने कहा कि लोगों के बीच में जन जागरूकता फैलाने का ही असर है कि जब उन्होंने चार्ज संभाला तब थाने में रोजाना 60 से 70 शिकायतें आती नहीं, जिनकी संख्या घटकर अब बेहद कम रह गई। पुलिस की इस पहल को लोग बेहद सराह रहे हैं। उनके मुताबिक साइबर क्राइम की टीम जो जानकारी दे रही है वह बेहद काम की और इससे आजकल होने वाले साइबर अपराधों से बचा जा सकता है। मेरा नाम महेंद्र सिंह है और मैं इस स्कूल में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑफ फरीदाबाद में प्रिंसिपल पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। आज हमारे स्कूल में साइबर क्राइम की पूरी टीम आई थी और उसमें जो बच्चे हमारे पास लड़कियाँ हैं, लड़कियों को जो साइबर क्राइम संबंधी जो अपराध होते हैं उनके बारे में अवेयर किया है। वैसे तो हम अवेयर साथ बीच बीच में कराते रहते हैं, असेंबली में कराते रहते हैं, उनके साथ कोई वैसी मिसहैपनिंग ना हो, लेकिन आज जो अवेयरनेस जो ये बहुत अच्छा लगा हमें कि कई ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिनके बारे में हमें भी नॉलेज नहीं थी और हमें बिल्कुल सर बिल्कुल डिटेल में जो हम सोच भी नहीं सकते थे जो हमारे साथ क्या अपराध हो सकता है वो सारी डिटेल में हमें बच्चों को और पूरे अध्यापक वर्ग को बताया था। हम पूरी टीम के लिए बहुत बहुत आभारी हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सर ये समझाना चाहिए क्योंकि जब से ऑनलाइन हुआ है थोड़ा ये अपराध थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है, बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की, इससे थोड़ा सा बच्चे थोड़े डाइवर्ट हुए और बहुत पहले से इतना नहीं होगा लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत ज़रूरत थी इसकी। हम चाह रहे थे कि हमें कोई ऐसी अवेयरनेस मिले और आज हमारी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। सरस्वती कुमारी, 11th B क्लास में पढ़ती हूँ, कॉमर्स विथ मैथ। सर आए थे आज हमारे स्कूल में, हमें समझाने के लिए आए थे, हमें हमारी सेफ्टी के बारे में बताने आए थे, कैसे हमें साइबर पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है या हम किसी प्रॉब्लम में हैं, हमें कैसे अपने बड़ों को बताना चाहिए, कैसे टीचर्स से हमें अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए और हम कैसे अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं, वो सब की इन्फॉर्मेशन दी और हमें सेफ्टी की कुछ बातें बताई। उन्होंने हमें साइबर क्राइम के बारे में बहुत अच्छे से बताया, जो कि आजकल नॉर्मल है, होते रहते हैं, उनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा सचेत किया है और समझाया है कैसे बच सकते हैं। अलका सोनी सर, उन्होंने समझाया कि हमें कैसे मतलब बैड बॉयज से बच के रहना चाहिए और अगर आपके घर पे कोई ATM कोई भी फ्रॉड नंबर से फ़ोन आता है कि आपकी लॉटरी लग गई है तो हमें उससे कैसे सेव रहना चाहिए, हमें प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करना चाहिए। अगर आपसे क्रिएट नहीं होता है, आप हाइड करके रखते हो अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, तो हमें उससे बचा जा सकता है बिकॉज क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि भगवान पिता भगवान के समान होते हैं, इसलिए हमें उन्हें बताना चाहिए कि हम किस तरीके से बच सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि आपको अगर कोई बैक टच कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, आपको घूर रहा है, तो आप अपने पेरेंट्स से बताओ कि ये प्रॉब्लम है और इससे हमें क्या होगा कि हम एक अगर कोई लड़की है उन्हें भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो दूसरी लड़की को सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें कुछ गलत नहीं बताना चाहिए। यस सर, बहुत अच्छा लगा बिकॉज क्योंकि हमें अपना पर्सनल डाटा किसी को नहीं देना चाहिए। जैसे सर ने बताया कि आप अगर पर्सनल डाटा दे देते हो किसी को तो आप मतलब 2 से 3 ईयर्स जितनी भी आप डिलीट फोटो रहता है वो आप कवर कर लेते हैं हैकर लोग, जिससे आपके गलत यूजेस हो सकते हैं।